الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني حملا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين. جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دنیا سے اکتا کے کہتے ہیں مر جائیں گے اگر مر کے بے چین نہ ملا تس پھر کدھر جائیں گے. مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے, درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین
मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार मेरी मुराद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी ते मुझे सामीन अजराज जी वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत दा बड़ा ही निहायत और फजल और करम है कि जिस जात ने मसरूफियात विचों निकाल के बर वक्त अंदर अपने घर अंदर तशरीफ लियाउण दी तौफीक अता फरमाई। दुआ करो कि अज साडा रल मिल बैठना अल्लाह पाक अपनी बारगाहे इलाही अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। हजरात दीवाकार कुरान व हदीस दे कुतब दे अंदरू तुहाडे वास्ते चुन चुन के मोती लेकर के हाजिर होया। उन्ना मोतियां दा नाम है कि मैं क्या करूं जिस दौर दे अंदरू मैं और तुसा अहबाब गुजर रहे हैं। इस दौर दे अंदर हर एक तो दूसरा बंदा इस गल दे परेशानी दा शिकार है कि मेरी औलाद ना फरमाने मैं क्या करूं। कोई अपनी बीवी दे हत्थू परेशान है कहंदा है कि मैं क्या करूं। ओ आजादी मंगदी है ओ बराबरी दा सवाल कर दिए मौलाना दसो मैं क्या करूं। जौजाए मुहतरमा अपने खामन तो तंग है मेरा खामद मेरा हक अदा नहीं करदा दसो मैं क्या करूं। हदरात दीवाकार बाप अपने पुत्र दे मुतल्लिक शिकायत ले करके कदी किसे दे कोल जांदा है कदी किसे कोल जांदा है दसो यार मैं क्या करूं। मेरा पुत्र बेनमाजी है मेरा पुत्र मेरा ना फरमान है। मैं पुत्र नु गल कहना तो मेरा पुत्र मेरी गल ते अमल नहीं करदा के दसो मैं क्या करूं। हाफे जी के मेरा पुत्र बेनमाजी है मेरा बड़ा दिल करदा है मैं अपने पुत्र नु नमाजी बनावा वो नमाज नहीं पढ़दा दसो मैं क्या करूं। हाफे जी मेरा पुत्र जानी हो गया है जना करदा है बदकारियां करदा है बड़ा समझाना पर समझदा नहीं दसो मैं क्या करूं। बेटा मेरा सूद दे मामलात अंदर दखल अंदाजी करदा फिरदा है। हाफे जी मेरा पुत्र सूद खांदा है मैनू अल्लाह तो डर लगदा है मेरा पुत्र अपनी पेट दे अंदर जहन्नम दी अग भर रहा है। हाफे जी मैनू दसो मैं क्या करूं। जिन्निया भी गल्लां तुहाडे दिलो दिमाग अंदर अपने मामलात अंदर ने पुत्रां दे मामलात अंदर बीवी दे मामलात अंदर इन्हां सारियां गल्लां दा निचोड़ मैं इस मिसाल अंदर दसना चाहना। काश वो मिसाल तेरे दिमाग अंदर बैठ जाए ती असी इन्हां मामलिया तू बच जाइए। हजरात दीवाकार हुणे ने मकान बनाया है मकान दा इन्हें एक परनाला रखे मिसाल ते जरा गौर करना उन्हें परनाला बनाया इस वास्ते के आसमान तू बारिश आएगी जो मेरे मकान की छत से पानी के कतरात गिणनगे इन्हें परनाला बनाया है परनाले के जरिए पानी थले चला जाए। फिर लोगों ने अगे ये किया है कि परनाले के थले कोई चीज रख देंगे ने इस वास्ते कि किथे परनाले दा पानी इन्ना एरिया दे अंदर ना चला जाए। जे अगर पानी एरे अंदर चला गया ऐ मेरे मकान दी बुनियाद खराब हो जाएगी बुनियाद बह जाएगी मकान मेरा गिर जाएगा। हत्ता के कई लोगों ने पाइप लगाए हुए ने ताकि पाइप के जरिए पानी जो जमीन ते गिरे इन्नी छेट दे नाल इन्ने वजन दे नाल यानी कि कोई मेरी बुनियादी एरिया नु कोई नुकसान ना पहुंचे इस तरह इन्ना लोगों ने अपने मकानात के जरिए पानी थले गिराम का निजाम बनाया हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयो असा क्यों इन्ना कुछ इंतजाम करने असा प्रणालियों के थले क्यों कोई चीज रखने या मजबूत फर्श क्यों बनाने इस वास्ते बनाने कि साडे मकान दी बुनियाद खराब ना हो जाए।
इन्ना मकाना दी बुनियाद ठीक करन वास्ते असी बड़े बड़े इंतजामात करदे फिरने आ। काश कदी असी भी अपने बच्चे दी जो साडा बच्चा जवानी दी मंजिल अंदर आन लगे सी असी अपने बच्चे दी तरबीजत भी कुछ इस संभाव दे नाल कर लेंदे दी अज मैनू ती तेनू मैं क्या करूं ये जुमला ना बोलना पैंदा। जदों साडा छोटा जिहा बच्चा सी झूठ बोलना सी मां बाप को मुस्कुरा के कहंदे सन शाला शुक्र है मेरा पुत्र भी बोलन लग गया। जदों इन्हां दा बेटा लोकां नूं गालां कढ़दा सी गली दे अंदर खलो के लोकां नूं बुरे भले कहंदा सी मां बाप दिलासा दिया कर दे वाह मेरा पुत्र शेरा लग्या। जदों इह बेटा बैरू चोरियां करके लिआउंदा सी लोकां दीआं चीज़ां चुक के लिआउंदा सी बाप दी मां हौसला देंदे सी वाह मेरा बेटा तू दी चीज़ां उठाण वाला भी बन गया। काश जिवें तेरा पुत्र झूठ बोलदा सी अपने पुत्र नूं डांटिया हुंदा रोकिया हुंदा अपने पुत्र दी नसीहत कीती हुंदी अपने पुत्र नूं तरगीब दिलाई हुंदी अज तेरा बेटा तेरिया ना फरमानियां ना करदा। तेरा बेटा है चोरियां करदा आफे जी मेरा पुत्र चोर बन गया दसो मैं क्या करूं। जदों बचपन दे अंदर छोटियां छोटियां चीजां चोरी करके लिआउंदा सी उदों ते बड़े दिलासे देंदा सी उदों ते बड़ा हौसला अफजाई करदा सी। काश उस वक्त दे अंदर अपने पुत्र नूं डांटिया हुंदा खबरदार बेटा मेरा बेटा किसे दीआं चोरियां नहीं करीदियां तेरा बेटा अज चोर ना बनदा। जदों लोकां नूं बचपन दे अंदर गालां कढ़दा सी जे तू उहनूं समझाया हुंदा ते अज तेरा बेटा जानी ना बनदा। असी जदों समझाण दी वारी सी उदों असी समझाया नहीं हुण वड्डा हो गया है हुण ओह जवान हो गया है ओह जवानी दीआं मंजिलां क्रॉस कर रहा है हुण असी रोंदे फिरने आ हाए मेरा बेटा मेरी गल नहीं मनदा हाए मेरा पुत्र मेरीआं नाफरमानियां करी जा रहा है। ओए अल्लाह दे बंदिया जे तू अपने बेटे नूं बचपन दे अंदर जिथे तू 20,000 50,000 दा अपने बेटे नूं मोबाइल ले करके दिता सी मेरा बेटा कार्टून वेखेगा मेरा बेटा टिकटॉक वेखेगा मेरा बेटा स्नैक ऐप वेखेगा मेरा बेटा कार्टून वेखेगा मेरा बेटा लारे लगा रहेगा मेरा बेटा आप मसरूफ रहेगा मैं काम काज कर लवांगा। यही बेटा वड्डा होके गुलूकार बनया फिरदा है यही बेटा वड्डा होके सिंगार अल्लाह दे बंदिया काश तू अपने बेटे दे हाथ दे अंदर कुरान पकड़ाया हुंदा ते अज तेरा बेटा मुसल्ले रसूल दा वारिस हुंदा। ओए अल्लाह दे बंदिया अज रोना है हाफे जी मैं क्या करूं मैं तेनू दसना चाहना वा जे बचपन दे अंदर अपने बेटे नूं हदीस पाक सुनाई हुंदी अपने बेटे नूं हदीस पाक दा मुतालिया कराया हुंदा अल्लाह दी कसम है अज तेरा बेटा मिंबर रसूल दा वारिस हुंदा। तू अपने बेटे नूं वेखदा मेरा लख जिगर मेरे दिल दा टुकड़ा मिंबर रसूल ते खड़ा है काला काला रसूलुल्लाह बयान कर रहा तेरा दिल बाग बाग हो जांदा। जदों वारियां आईयां उदों असां अपने पुत्र ते बुखारी शरीफ दी जगह ते असी अपने पुत्रां नूं डाइजेस्ट पकड़ा दिते असी अपने पुत्रां नूं ए दुनियावी तलीब दी खातिर इन्हां दुनियावी अखबारां पढ़ाईयां गईयां अपने पुत्रां नूं डाइजेस्ट नावल पढ़ाए गए अज ओह पुत्र गुलूकार बनया फिरदा है अज ओह पुत्र नाफरमान बनया फिरदा है ओह अज ओह पुत्र जानी बनया फिरदा है अज ओह पुत्र बदकारी करदा फिरदा है अज ओही पुत्र सूदखोरी दे कारोबार करी जा रहा है। काश तू कुरान और हदीस दी तालीम दलाई हुंदी अज तेरा पुत्र फरमा बरदार हुंदा। मेरे मोहतरम भाइयो एक ही हाले अगर चाहते हो साड़ी आने वाली नस्ल सुधर जाए यकीन जानो सोशल मीडिया जदों दा आया है नौजवान अपनी जवानी तबाह कर चुके हैं नौजवान अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। ओए अल्लाह दे बंदेओ अपने बच्चियां दी तरबियत करो कुरान हदीस के मुताबिक करो जो कुरान कहंदा है मन लवो जो हदीस कहंदी है उन्दे ते अमल कर लवो जिस चीज तू रोकिया जांदा है रुक जाओ अल्लाह पाक दुनिया भी बेहतर कर देगा ते आखरत भी बेहतर बना देगा। आइए जरा तवज्जो करना
मैं तुहाडे सामने हालात हाजरा दे मुताबिक कुछ गल्लां तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। 14 फरवरी आ रही है, इंदे अंदर जो कोई वैलेंटाइन डे दे नां ते मनाया जांदा है, ए भी इंशाल्लाह तुहाडे सामने रखांगा। रजब दा महीना चल रहा है, 22 रजब नूं कुंडे वाली रस्म अपनाई जांदी है। अज आपां दा रात सफर दी दुनिया अंदर जाना है, वेखना है क्या है, मनाना जायज है या नहीं है। मैं रब्बे काबा दी कसम उठा के कह रही हां, मैं नहीं पसंद करदा मैं किसे ते अटैक करा, मैं किसे ते मसलक दे बारे गल करा। नहीं 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 नहीं, मैं आती हां कुरान हदीस बयान करम दा, मैं आती हां सहाबा इकराम दे सही वाकियात बयान करम दा। आओ जरा तवज्जो करना, ऐसा आज हवावेला मचाया है, हाय ओ महंगाई हो गई, हाय मेरी दिहाड़ी नहीं लग रही, हाय मैं मर गया। इंशाल्लाह इंदे रोजमर्रा दियां गल्लां तुहाडे सामने रखांगा। मैं क्या करूं इंदे बारे चंद गुजारिशात तुहाडे सामने पेश करांगा, जरा तवज्जो करना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद, आवाज नहीं आई मेरे पैगंबर दे नाम ते दरूद पढ़ो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम दे सीनाए पाक ते ना दिल गौन वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान इलाम करदा, फरमाया के कुल्लातीउल्लाह खबर रसूल फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। सुनो कायनात दे लोगों दुनिया वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे जे चन मेरा बेटा मेरा फरमा बरदार बन जावेंगे, जे चन कि मेरा बेटा मेरिया फरमा बरदारियां करनिया शुरू कर देवेंगे, जे चन मेरा बेटा मेरी इताअत करनी शुरू कर देवेंगे। आओ मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चन मेरा बेटा नमाजी बन जावेंगे, आन शरीयत की कह रही है तेरा बेटा 7 साल का हो जावेंगे, अपने बेटे नु मस्जिद वल लै करके आया कर, अपने बेटे नु नमाज दे बारे हुक्म दिया कर, अपने बेटे नु कुरान दी तालीम दिलाया कर, अपने बेटे नु हदीस पाक दी तालीम दिलाया कर। हजरात ते दी बकार तवज्जो करना, जदों 10 साल दा हो जावे अपने बेटे नु मार कुट के नमाज पढ़ाया कर, अपने बेटे नु दसिया कर मेरा बेटा हुण तेरे ते नमाज फर्ज हो गई है, लिहाजा बेटा नमाज पढ़नी पैगी। मेरा लगते जिगर मैं भी तेरा पापा, मेरा दिल चांदा है मेरा बेटा नमाजी होवे, मेरा जी चांदा मेरा बेटा कुरान दा हाफिज होवे, मेरा दिल चांदा है कि मेरा लगते जिगर है कुरान हदीस दा इलम रखन वाला बन जावे। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने बच्चे नु कुरान दी तालीम दिलाओ, जदों बेटा समझदार हो जावे इंदा बिस्तरा अलग कर दियो, इंदा सोना अलग कर दियो, अपने पुत्र दा बैठना उठना गलबात करन दी जिम्मेदारी ले लवो। वेखना मेरा बेटा कित्थू गलत बोलदा पिया है, अपने बेटे नु बैठ के समझा मेरा बेटा गलत नहीं बोलीदा, गालियां नहीं गड़ी दियां, किसे नु मंदा नहीं बोलीदा, किसे नु लानत ना ही करी दी, किसान बुरा भला नहीं करी दा। अपने बेटे नु समझा, रात दा वक्त होवे सारे दिन दा तेरा बेटा भी थकिया ठुडिया गोवे, तू भी थकिया गोया गोवे, अपने बेटे नु कोल बुला कहो मेरा लगते जिगर मेरा दिल दा टुकड़ा, मैं तेनू बड़िया मेहनत दे नाल पालिया है, मैं तेनू बड़िया मेहनत दे नाल अपने रब कोल दुआवां कर कर के लिया है, ओ मेरा लगते जिगर ता मेरा लाल है। आना किसे नु गाला नहीं गड़ी दिया, वड्डे छोटे ददा बे तराम करया कर, मेहमान आ जाने मेहमान दी कदर करया कर, उन्ना नु सलाम लिया कर, उन्ना दे कोल हाल वाल पुछया कर। दसो ना तुहाडा सफर किंज दरिया है, दसो ना कोई रास्ते अंदर कोई कोई मसला मसैल तो नहीं बनया, पुछ अपने मेहमान दे कोलों इंज दी आदत डाल अपने बेटे नु, वड्डिया गोवे तेरा बेटा तू बुढ़ापे अंदर डर जावे, तेरा लाल तेरिया खिद
खिदमत करदा होवे तेरे नाल गल करे ते तेरे सीने विच ठंड पै जावे, तेरा बेटा तेरे नाल मुखातिब होवे ते तेरे सीने विच ठंड पै जावे। अल्लाह दे बंदिया तां तां रब दा कुरान भी कह रही है, फरमाया कुल्लातीउल्लाह, अपने बेटे नू कहना कुल्लातीउल्लाह वर रसूल, मेरा बेटा अल्लाह दी इताद करनी है नाले अल्लाह दे रसूल दी इताद करनी है, जो कुछ अल्लाह कहंदा है उन्हें ते अमल करो। मेरा लगते जिगर है और जेड़ा महबूब दा फरमान है, जेड़ा मदीने वाली सरकार दियां गल्लां ने उन्हें ते मेरा लाडला उन्हें ते अमल करना। और जदों तेरा बेटा इन्नियां गल्लां ते अमल करेगा, मैं एक ईमान दे नाल कह रही हां फैसला बदिया, तेरा बेटा सारी दिन की तेरिया फरमा बरदारियां करेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह, जे तेरा बेटा इन्ना दे बरखस हो गया, जे बेटा अल्लाह दी अल्लाह दे रसूल दियां गल्लां ते अमल नहीं करेगा, फिर याद रख सारी जिंदगी रोना धोना शुरू कर देवेगा। मैं क्या करूं मौलाना, मेरा बेटा मेरी गल ते अमल नहीं करदा, हाफे जी मेरा बेटा ना फरमान हो गया है, मेरा बेटा मेरी गल ते अमल नहीं करदा। ओ अल्लाह दे बंदिया बिठा अपने बेटे नो कोल लिया अपने लगते जिगर नो, कहो मेरा बेटा मेरी गल ते अमल करो, मेरा बेटा कुल्लातीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह दी शरीयत अपने बेटे ते नाफिज कर दे। अपने बेटे ते अल्लाह ते अल्लाह दी रसूल दी शरीयत नु नाफिज कर दे। मेरा माले तेरी दुनिया भी बेहतर कर देगा ते आखिरत भी बेहतर कर दे। हदरात दीवाकार इतने ना हूँ महंगाई का बड़ा तूफान है, बड़े लोगों ने कहा हाफे जी बड़ी महंगाई हो गई है, दिहाड़ी नहीं लभदी, कारोबार नहीं लभदा, असी बड़े माड़े माड़े फिर रहे हैं, हाफे जी कोई अमल ही दस दियो, कोई वजीफा भी दस दियो। लो जी मैं अज तुहानू एक वजीफा दसन लगा, उन्दे ते अमल कर इंशाल्लाह, मेरा मालिक तेरी दुनिया भी इंशाल्लाह माला माल कर देगा, मेरा रब तेरी आखरत भी बेहतर कर देगा। हदरात दी बकार तवज्जो करना गौर करदे जाना, हदरात इमाम कर्तबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर कर्तबी दे अंदर बयान करदे ने, फरमाया के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मन लाजिम अलिस्तगफार जालहु लहु मिन कुल्ली ज़िक्र मखरजा। सुनो कायनात दे लोगों दुनिया वालों अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इनू लाजम पकड़ लवो, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह दे नाल अल्लाह पाक तंगियां दे रास्ते दूर कर देवेगा, आसमान दा मालिक आसानी अंदर मुबतला कर देवेगा। मेरा मालिक इस अस्तगफिर अल्लाह दी बरकत दे नाल रंजिश विचों निकाल के निजात वाले रास्ते पाप देवेगा। अदरात ते दी वकार है फिर फरमाया वरसा कहू मिन गैसु ला यतसिबे, मेरा मालिक तेनू रिज़क उत्थों अता करेगा, तेनू वहमो गुमान भी नहीं होएगा, आसमान दा मालिक तेरिया गैबी मददां करनियां शुरू कर देगा। आओ अल्लाह दे बंदिया अस्तगफिरुल्लाह नू लादे पकड़ ला, सुनया जे सुनया जे हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बयान करदे ने, मेरे कोल वेखाण वाला आया है, आ करदा करदा इमाम जी मेरे कोल माल तो बड़ा है पर खान वाला कोई नहीं, दसो मैं क्या करूं। इमाम जी फरमांदे ने सवाल करन वाले कसरत नाल पढ़िया कर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक दे बदले तेनू गुलाबां दा कर देवेगा। एक और आने वाला है आके करदा इमाम जी काफ साली दे शिकार हो गया, जरा कोई वजीफा दस दियो असी ओ करदे रहिए ते अल्लाह पाक साड़ियां काफ सालियां दूर कर देवे। इमाम जी फरमांदे ने पढ़ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह
استغفر اللہ اللہ دے بندیا ایک اور ویران والا آیا ہے آ کے عرض کردا ہے کہ امام جی قربتاں بڑیاں آ گئیاں نے پریشانیاں بڑیاں آ گئیاں نے امام جی میں ماڑے ماڑے پھر ریاں پر مینوں کوئی دیاڑی نہیں لبدی میں بڑا غریب بندہ مینوں دسو میں کیا کروں امام جی فرما رہے نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پر اللہ تینوں دے بدلے مندر تیریاں غربتاں دور کر دے گا پھر قرآن والا آیا ہے آگے کہندا امام جی پاک بڑے خوشک ہو گئے نے ذرا کوئی دسو میں کیا کروں امام جی فرماندے نے پڑھیا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ حضرت امام ربی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں بھی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دے کول انج کر کے بیٹھا وا میں امام جی نو فرما رہا اے امام جی چار بندے تواڈے کول آئے نے ہر ایک دا مختلف سوال ہے جواب اکو آیا ہے دسو نا کی وجہ ہے کیڑی گل ہے جندی وجہ کر کے اکو جواب لبیا ہے بیٹیاں والا آیا غربت والا آیا کات سالی والا آیا تی باغ خوشک والا آیا اکو جواب دیتا اکو جواب دیتا امام جی فرماندے نے میں تیرا رب دا قران پڑھدا پیا وا سورۃ النور ہے تی اے تبارک اللہ دی سپارا ہے امام جی فرماندے نے فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا وبنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انخارا میں تے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اللہ دا قرآن کہندا پیا ہے جیڑا بندہ استغفر اللہ پڑھے گا اللہ پاک اس بندے دے باغ نو آسمان تو بارشاں عطا کر کے اون دے باغ نو بھی سراب کر دےوے گا کات سالیاں بھی دور کر دےوے گا اللہ پاک مالا مال بھی کر دےوے گا تے گلاداں دے نال بھی اللہ پاک نوازی عطا کر دےوے گا کسرت دے نال استغفر اللہ پڑھیا کرو ان دی برکت دے نال اللہ پاک تیریاں پریشانیاں او جڑے وا ویلا کردے پھرنے آ نا حافظ جی میں بڑا مر گیا حافظ جی روٹی واسطے پیسہ کوئی نہیں حافظ جی آٹا نہیں لبدا پیا حافظ جی دیاڑیاں نہیں لگدیاں پیاں اوے اللہ دے بندیا استغفر اللہ دی برکت انی ہے یو اللہ مالا مال بھی کر دے وے گا تے عزت دے تاج بھی پہنا چھڑے شرطے کہ اسی پڑھیے تے صحیح او اسی عمل نہیں کر دے ساڈا یقین اٹھ گیا ہے ساڈا ایمان ختم ہو گیا ہے اسی انہاں گلاں تے آندے نہیں جے آنا شروع کر دے وی اللہ دی قسم ہے سانو کسے ڈاکٹر دے کول جان دی لوڑ بھی کوئی نہیں حضرات دی وقار توجہ کرنا غور کردیا جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کرنا چاہنا وا حضرات دی وقار میرے پیغمبر دے کول اک صحابی گایا ہے آ کے ارداں کردا ہے سنو میرا بیٹا گم ہو گیا ہے دس میں کی کراں میری بیوی وی رو رو کے بیچاری برا حال ہو چکیا ہے حتا کہ غشی تاریخ ہو جاندی ہے اے اللہ دے نبی جی میں بھی بے صبر ہو جانا وا دس نا میں کی کراں میرے پیغمبر فرماندے نے پہلی گل ہے کہ تو صبر کر اپنی بیوی نو بھی حکم دے او بھی صبر کرے پھر اگلی گل کی دسیے اے میرے صحابیا اے کثرت دے نال وظیفہ پڑھی اللہ پاک کہندی برکت دے نال بیٹا بھی دے دے گا ایندی بدلے اللہ پاک انعام بھی عطا کر دے وے گا اللہ کو اکبر اللہ بے وظیفہ کی دیتا گیا ہے آج بھی میرا یہ پیغام ہے جے کوئی چیز گم ہو جاوے کسرت نال استغفر کرو کسرت دے نال وظیفہ پڑھے جے تینوں کوئی چیز دی ضرورت ہے کوئی رب کول نعمت دی ضرورت ہے اے وظیفہ پڑھے اللہ پاک کہندے بدلے اندر تینوں مالا مال بھی کر دے گا میرا مالک عزت دے تاج بھی پہنا چھڑے گا
हदरात दीवा करें ऐसा खापी वजीफा ले करके जा रही है की वजीफा फरमाया के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला मेरे नाल पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला हजरत दीवा करें ऐसा खापी वजीफा ले करके गरम दर आ गया है अपनी बेगम नु दसदा पिया है मैं अपने प्यारे महबूब को लुकिया वा मेरे पैगंबर फरमाते ने अपनी बीवी नु भी हुक्म दे दे तेरी बीवी भी पढ़ती रहेगी देंदे बदले दे अंदर अल्लाह तुहाडा बेटा भी वापस कर देगा तेरी इनाम भी अता कर देगा वक्त गुजरता गया पांच दिन गुजरे दस दिन गुजरे बीस दिन गुजरे पच्चीस दिन गुजरे तीस दिन गुजर गए ने एक महीना गुजर गया है ऐसा भी अपना वजीफा करता पिया है वक्त आ गया है इंदा बेटा लगते जिगर आ भी वापस आया है 40,000 बकरियां दा रेवड़ भी लेकर के आ गया है 40,000 बकरियां दा रेवड़ भी लेकर के आया है आ करके बाप पूछया है दस मेरा लगते जिगर दस मेरा लाल किथे चला गया सा वेख अपनी मां वल तेरी मां रो रो के अपनी अक्खां दे आंसू खत्म कर गई है वेख पुत्र मेरे नज मेरे चेहरे वल मैं तेरी खातिर की कुछ नहीं करदा रह गया ओ मेरा बेटा मैं ते आप भुखा सो जांदा सा तैनू खिला करके सुलाया करदा मेरा बेटा मैं ते आप पट्टे पुराने कपड़े पा लेंदा सा पर मैं अपने लाल दे कपड़े पट्टे पुराने नहीं वेख सकदा सा मेरा लाल है मैं ते तेरे वक्त बैठे लेरा लाल है मैं ते तेरी खातिर बड़ा कुछ करदा रह गया मेरा बेटा दस ना की बनया किथे चला गया गया एक महीना गायब रह करके आया है कहंदा बाबा मैं इत्थे गली दे अंदर फिर रिया सा एक डाकुआं दा लश्कर आया है एक चोरां दा गिरोह आया है मैनू पकड़ करके लै गए ने पहाड़ां दे अंदर लै करके गए ने बाबा हद तक पूरा नेटवर्क मौजूद है उन्हां चारों तरफ ना बाबा जी मोर्चे लगाए हुए ने उन्हां दे फौजी मौजूद ने उन्ना दे फौजी मौजूद ने पापा मैनू बकरियां दा रेवड़ दे दिता गया मैनू हुक्म लगाया गया है ओए अल्लाह दे बंदिया इस जगह ते बकरियां चराणियां ने इस जगह ते बकरियां नू सरो तफरी करानी है मैं सारे दिन बकरियां चरांदा रह गया पापा मैं एक दिन वेख्या है देस मोर्चे ते मैनू बंदा नजर नहीं आ रिया मैं बकरियां लै करके मदीने वाले रस्ते ते टुर पिया पापा मैनू रस्ते अंदर किसे ने नहीं रोकया दिन रात मैं चलदा रिया दा बाबा मैं तुहाडे कोलू पहुंचाया ऐसा पीए रसूल है अपने बेटे नु नाल लिया बकरियां दा रेवड़ लिया दा मेरे पैगंबर कोलू पहुंच गए मेरे पैगंबर नु फरमा रहे ने सारी गल दसी है ना ऐ सोने महबूब जी ऐ मेरा बेटा है जिंदे बारे मैं तुहाडे कोलू आया सा जिंदे वास्ते मैं तुहाडे कोलू दुआवां कराण वास्ते आया सा 40,000 बकरियां लै करके आया है दसो साडे वास्ते जायद ने के या ना जायद ने अल्लाहु अकबर अल्लाह मेरे पैगंबर फरमांदे ने जा बकरियां भी लै जाओ ए रब ने तुहानू बतौरे इनाम अता कर छड्या है रब ने बतौरे इनाम अता कर छड़िया है ओए अल्लाह दे बंदिया मैं ते ए कहांगा ए जेड़ियां बकरियां आईयां ने ते उन्हां दा लगते जिगर वापस आया है ए वजीफे दा कमाल सी इंदी बरकत दे नाल रब ने बेटा भी अता कर छड़िया इस वजीफे दी बरकत दे नाल अल्लाह ने नेमुल बदल भी अता कर छड़िया शर्त है कि पढ़िए ते सही पढ़ो अल्लाह दे बंदिया ये जुमले अदा करया कर छोटे छोटे वजीफे याद करया कर ताकि तू पढ़दा रवे अल्लाह पाक इंदा नेमल बदल अता कर दे हदरात दी वकार तवज्जो करना गौर करते हैं जाना मैं जिन्ना बातां दा जिक्र करदा पिया मेरे मोहतरम भाइयों हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा है हजरत अबू सलमा दी बीवी है जरा मेरे वल तवज्जो करना मेरे मोहतरम भाइयों हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पैगंबर अलैहि सलातु वसलाम कोलू तशरीफ लै करके आईया ने आ करके अपना दुखड़ा सुना रही ने अपने मामलात दसदिया
सुनिया पईयां ने मेरे पैगंबर फरमांदे ने ऐ उम्मे सलमा परेशान ना हो अपने दुख साइड ते रख के दुआ पढ़िया कर अल्लाह पाक तेरे दुख दूर कर देवेगा अल्लाह पाक तेनू अबू सलमा तो बेहतर खामंद अता कर देवेगा। हजरत उम्मे सलमा रो करके अर्ज़ा कर दिया ने सुनियो अबू सलमा वाला रा मैनू मियां कितों लभेगा पर अबू सलमा दियां वफावां अबू सलमा दियां मेरे नाल वफावां मैनू कितों लभण गियां। मेरे पैगंबर ने फरमाया उम्मे सलमा ऐ दुआ पढ़िया कर अल्लाह पाक कहंदा ने मन बदल अता कर देवेगा तेरा कम है पढ़ना आसमान दे माले दा कम है तेनू बदला अता करना। की पढ़िया अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनगा। मुस्लिम शरीफ दी रवायत है 2126 रवायत नंबर है। हजरत उम्मे सलमा पढ़दियां रह गईयां अल्लाह पाक ने दा बदला ने मल बदलिया ता कीता है। कल हजरत उम्मे सलमा सने अज हजरत उम्मुल मोमिनीन बन गईयां ने। कल हजरत उम्मे सलमा सन अज मोमना दिया मावां बा मां बन गई है। अल्लाह ने ये बदला ता कर दिता है अज दी मां बहन नूं मैं पैगाम देवांगा जे खामन दुनिया तू टुर जावे दुनिया तू पर्दा फाश हो जावे तैनू चाहिदा दुआ पढ़ी कर अल्लाहुम्मा अजरनी फी मुसीबती वखलुफली खैरम मिनहा। अल्लाह पाक इंदा नेमुल बदल अच्छा अता कर दे। हजरत दी वकार तवज्जो करना गौर करते जाना मैं जिन्ना बातों का जिक्र करना चाहना वा मैं क्या करूं मैं क्या करूं। आज बाप अपने बेटे तू परेशान है बेटा अपने बाप तू परेशान है। हाफे जी मेरा बेटा हाफे जी मेरा अबू मेरा नक कटवाई जा रहा है हाफे जी अबू मेरिया शिकायत लगाई जा रहा है जिथे बाबा बहंदा है उत्ते साडे शिकवे करी जा रहा है। हजरत दी वकार तवज्जो करना मैं जिन्ना बातों का जिक्र करना चाहना वा अज अपने बेटे दिया शिकायत लै करके आ रहा है इत्थे मैं रुक के पैगाम देना चाहना वा मैं क्या करूं। ओ अल्लाह दे बंदिया 14 फरवरी का दिहाड़ा आ रहा है वैलेंटाइन डे दे नाते इन्ना कालियां ती यूनियां बरसतियां दे अंदर 14 फरवरी का दिन मनाया जाएगा। काश कदी तू 14 फरवरी मना तू पहला इस पस्से मंदिर ते भी एक नजर दौड़ाई आती अज तेरी इज्जत नलाम ना गुंदी आज तेरी इज्जत दागदार ना गुंदी आज तेरे सफेद पगड़ी नो तेरी सफेद पगड़ी दागदार ना गुंदी 14 फरवरी नु यूनिवर्सिटीयां दे अंदर इन्ना कालजां दे अंदर इन्ना गंदे कल्चर दे अंदर लड़की लड़के नु फुल प्रपोज करदा है लड़का लड़की नु फुल प्रपोज करी जा रहा है अपनी मुहब्बत दा इजाला कर रहा है अपने इश्क दी अपनी गंदी निजासत दा सारा करी जा रहा है। ओ अल्लाह दे बंदिया 14 फरवरी दे वैलेंटाइन डे मनान तू पहला काश इंदे पासे मंदर ते भी एक नजर दौड़ाई गुंदी मैं तेनू दसना वा 14 फरवरी कहंदे किन्नू ने ए तीसरी सदी दे आखिर ते एक ईसाइयां दा पादरी ए रूमानी बादशाह है जिंदा नाम है कलाइडाइस दा नाम है ए बादशाह है दा इंदा वजीर है इंदा वजीर है किसे जुर्म दी वजह करके इंदे वजीर नु जेल हो गई जेल दे अंदर जड़ा मुंशी सी त्यों दी लड़की दे नाल इसदे वजीर दी आपस दे अंदर मुहब्बत हो गई लड़की लड़के नाल प्यार दी लड़का लड़की दे नाल प्यार है करना शुरू कर दिता लड़की रोजाना दी बुनियाद ते एक फुल लै करके आंदी ते ओनू पेश कर दी अपनी मुहब्बत दा मुजाहरा कर दी अपनी मुहब्बत दा अपनी मुहब्बत दा अपने प्यार दा जाला कर दी। मुसलमानों जरा मेरी गल दे तवज्जो करया जे इस रूमानी बादशाह ने वेख लिया लड़की मेरे मुशीर दे नाल दी मेरे वजीर दे नाल है मुहब्बत कर रही है फल पेश कर रही है इस बादशाह ने इस बादशाह ने उस पादरी नु फांसी दा हुक्म दे दिता 14 फरवरी दा दियाड़ा दी 14 फरवरी दे दियाड़े ते इसे पादरी नु फांसी दा ऐलान कर दिता गया। ए की करदा है फांसी होण तू पहला
इस पादरी को पूछा गया है दस तेरी आखिरी ख्वाहिश की है। उन्हें क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं आखिरी तमन्ना ही करना चाहना, मैं चाहना मेरी महबूबा दे नाल मेरी आखिरी मुलाकात कराई जाए, जिंदे नाल मैं इशा करना, जिंदे नाल मैं प्यार करना, जिंदे नाल मैं मुहब्बत करना, जिंदे नाल मैं उल्फत रखना, उनके नाल जरा मेरी मुलाकात कराई जाए। मुलाकात कराई गई, कार्ड ते लिखा गया वैलेंटाइन है, वैलेंटाइन डे वैलेंटाइन है। इस बंदे दा नाम है जड़ा पादरी है, उनके नाम ते आज 14 फरवरी दे दिहाड़े ते लोग अपनियां इज्जत बर्बाद करी जा रहे ने। अल्लाह दे बंदिया उन्नू जदों फांसी देन तू पहला उन्हें कार्ड ते लिखा वैलेंटाइन है, फिर लिखा मेरी तरफ वैलेंटाइन है, फिर फुल प्रपोज किया गया 14 फरवरी का दिहाड़ा दिन फांसी दे दी गई। फिर ईसाइया ने कहा साडा बंदा पादरी सी, उन्हें कहा असीं दी रस्म नू जिंदा करना है, असीं दी रस्म नू उजागर करना है। जदों 14 फरवरी आँदी लड़कियां अपनिया मशूकां नू लड़के अपनिया मशूकां नू फुल प्रपोज कर दे, कार्ड ते लिख दे वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का नाम लिया जाता। अल्लाह दे बंदे आदरा इन्ना गैर मुसलमान दियां रस्मां नू पहचाने, मेरे पैगंबर ने फरमाया सी मन तशब्बा भी कौमिन बहुआ मिन गुमे, गैर मुस्लिम दी मुशाबत इख्तियार नहीं करनी, ये तू गैर मुस्लिम दी मुशाबत इख्तियार करेगा मेरे पैगंबर दा गुमती दा नाम तेरा खत्म जाएगा, खत्म हो जाएगा। इन्ना 14 फरवरी नू यकीन जानी इन्ना कालजा यूनिवर्सिटियां दे अंदर लोग अपनियां मशूकां नू फुल प्रपोज करदे ने। अल्लाह दे बंदिया सवाल कर, मैं तेनू ये कहना चाहना, अज तू किसे दी धी बहन नू फुल दे रही है, फिकर कल तेरी भी बहन है, कल कोई तेरी बहन नू फुल देगा, अज ना सही कल तेरी बेटी जन्म लेगी, तेरी बेटी ने भी कोई फुल प्रपोज करेगा। अल्लाह दे बंदिया डर अपने रब दे कोलू, किसे दी इज्जत नू ललाम ना कर, किसे दी इज्जत नू दाग ना कर, आसमान मालिक दे आसमान वाले मालिक वाल वेखे, उंदे डर तू उंदे अज़ाब तू डर जा, आज किसे नाल बुरा सोचेगा कल तेरे नाल भी बुरा होएगा। सियाने कहंदे ने कि जैसा करोगे ती वैसा भरोगे, आज किसे नाल मंदा करोगे ती कल तुहाडे नाल भी मंदा होएगा। इस वास्ते इस गंदी रस्म तू बचिए, इस गंदे कल्चर तू बचिए जेड़ा साडे नौजवानां नूं तबाह बर्बाद करके रख छड़े। हदरात दी वकार तवज्जो करना, गौर करते जाना मैं जिन्ना बातां दा जिक्र करना चाहना वा। हदरात दी वकार मैं क्या करूं, मेरा दादा भी यही काम करता आ रिया है, मेरा परदादा भी यही काम करता गया है, मेरा बाबा भी उन्हों ही काम करी जा रिया है। हदरात दी वकार है मैं रब दा कुरान हथ अंदर पकड़ के कह रहा, मैं किसे दे मसले ते अटैच नहीं कर रहा, जरा हुण मैं जिहड़ियां गल्लां करदा पिया जरा सख्त होण गियां, पर कल्या बैठ के जरा मुहासबा करी ना गल्लां दा। मेरे मोहतरम भाइयों मैं जिस नबी का कलमा पढ़िया है उस नबी का तुसी भी कलमा पढ़िया है, जिस नबी नू मैं अपना मुर्शिद मनना उन्हें तुसी भी अपना मुर्शिद मनते हो, जिस नबी नू मैं अपना रहनुमा मनना उन्हें तुसी भी अपना रहनुमा मनते फिरते हो, जिस नबी का मैं कलमा पढ़िया है अपने आप नू उम्मती कलवारिया, तुसी उस नबी का कलमा पढ़िया है ते अपने आप नू ते नबी पाक दा उम्मती कलवाई जा रहे हो। दराई दे मेरे वाले नजर दुड़ा, मैं तेनू जड़ियां गल्लां समझाना चाहना वा, काश मेरियां गल्लां तेरे दिलो दिमाग दे अंदर बैठ जाने तेरी जिंदगी बेहतरीन बन जाए। ओ लोगों बावी रजब दा दियाड़ा आ रिया है, सोच बावी रजब नू की कुछ होई जा रिया है, बावी रजब दे दियाड़े दे अंदर एक नवी रस्म याद कर दित्ती गई है, इन्ना सुनिया दे अंदर इन्ना वहाबियां दे अंदर रस्म नू आम कर दिता गया है। सोच यार इस रस्म दा बानी कौन है, इस रस्म नू ईजाद करन वाला कौन है, इस रस्म नू फैलान वाला कौन है। मैं तेनू रब दा कुरान है हाथ अंदर पकड़ के कह रही हां, शियां दी ईजाद है इस रस्म दा ईजाद करन वाला पानी कौन है, शिया हजरात ने बावी रजब नू
कुंडिया वाली रस्म नुगी याद किया गया। सारी सारी रात हलवा पुड़िया बनाई जानगियां, सारी सारी रात मिठाइया बनाई जानगियां, सारी सारी रात हलवे बनाई जानगे, सारी सारी रात खीरा बनाई जानगे। जो बावीरा जब तक दियाला सवेरे आएगा, गलिया के अंदर हलवा पुड़िया तकसीम कीतिया जानगियां, हत्ता के लोगों के घरों के अंदर पार्सल बना के भेजा जाएगा। कादा है मैं पूछना चाहना वा तू क्यों रसम अपना रही है, जवाब देगा के मौलाना बावी रजब नू हजरत इमाम जाबिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से तशरीफ लै करके आए। मैं उन्हां दी खुशी अंदर मनाई जा रही हाँ, मैं उन्हां दे आन दी उन्हां दी आमद ते मैं खुशी मना रही हाँ। ठीक है मैं तेरा सवाल मनना, तेरा मेरे सवाल ते गौर करना, दसना जेड़े बावी रजब नू मनाई जा रही है, बावी रजब वाले दिहाड़े अंदर क्या मेरा इमाम है हजरत इमाम जाफिर सादिक है बावी रजब नू पैदाइश है क्या उन्हां दी वफात दा दिन है। रब दा कुरान हथ अंदर पकड़ के कह रही हाँ, अल्लाह की कसम है अफसोस होंदा है कि दो तुंदा है मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़न वाला बिदात अंदर मुबतला हो गया है, गैरां दियां रस्मां अंदर मुबतला हो गया है। बावी रजब नू ना तक इमाम जाफिर सादिक दी वफात दा दिन है ना पैदाइश दा दिन है। मैं हथ अंदर कुरान पकड़ के कह रही हाँ, फिर मौलाना जरा दसो की केड़ा दिन मनाई जा रहा, क्या गलत करते पाया क्या ठीक करते पाया। लोगों बावी रजब दा दिहाड़ा हजरत इमाम है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दी वफात दा दिन है। क्या हजरत अमीर मुआविया दा दुश्मन है हजरत अमीर मुआविया दी वफात ते खुशी मना रहा है, अमीर मुआविया दी वफात ते आज तम अमीर मुआविया दा दुश्मन है जश्न मनाई जा रहा है। फैसला मैं तेरे ते छोड़ दिता है, चाहे तू अमीर मुआविया दी वफात ते खुशी मनावे या गम मनावे, तेरे ते फैसला छोड़ के लोगों मैं तुहाडे ते फैसला छोड़ रहा, तेरी मर्जी अमीर मुआविया ते चाह तू जश्न मनावे या गम मनावे। मेरा अमीरे मुआविया बावी रजब नू दुनिया दुरुख्सत होया है ते हजरत अमीरे मुआविया दा दुश्मन है हजरत अमीरे मुआविया दी वफात ते खुशी दा जाला करदा पिया है। हत्ता के मेरे मोहतरम भाइयों इन्ना वेख्या है इन्ना साहबा इकराम दे दुश्मन ने वेख्या है कि किस तरीके दे नाल है असी सुनिया नू भी नाल मुबतला कर लवीए, उन्हां नू जानसा दिता गया है। बावी रजब नू हजरत इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह नू पैदाइश दा दिन नहीं ने वीर जी, पैदाइश दा दिन नहीं वफात दा अमीरे मुआविया दा दिन ने। ओए अल्लाह दे बंदिया दुश्मन ते ही पहले चारिया सा हजरत अबू बकर दे जान वाले सदीक अकबर दा दुश्मन चांदा सी, जेड़ा हजरत अबू बकर सदीक दे नाल है मुहब्बत करदा है ते कल ऐ अबू बकर दे नाल दुश्मनियां पानियां शुरू कर देवे। हजरत अमीरे मुआविया हजरत उमर फरूक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु दा दुश्मन ही चांदा सी किस तरीके नाल उमर दे दुश्मन बन जाने, उस्मान दा दुश्मन ही चांदा सी जेड़े उस्मान नाल मुहब्बत करदे ने किस तरीके दे नाल किसे अंदाज दे नाल है ऐ गुस्मान दे नाल दुश्मनियां करनियां शुरू कर देने। हजरत मौला अली दा दुश्मन कल भी चांदा सी ते अज भी चाही जा रिया है किसे तरीके दे नाल है, जेड़े प्यारे अली दे नाल है मुहब्बत कर देने ते प्यार कर देने किसे तरीके दे नाल है, अली दे नाल मुहब्बत का अली दे नाल नफरत शुरू कर दे। कल भी दुश्मन जा रिया सी अज भी हजरत अमीर शाम हजरत अमीरे मुआविया उनका दुश्मन चाहता है किस तरीके दे नाल है अमीरे मुआविया नु छाण वाले उन्हां दी मुखालफतां शुरू कर देण। ना उन्हां मुसलमाना असीं साहबा नाल प्यार करने आ, साडा मरना ते जीना साहबा वास्ते आना, इस साजिश तों बचना इन्हां रस्मां तों बच जा, अल्लाह पाक तेरी दुनिया भी बेहतर कर देवेगा। इन्ना
काफरां दियां इन्ना गैर मुसलमान दियां रस्मां तों बच जाओ। तहकीक करो अल्लाह दे बंदिया, असी कोई कारोबार करना होवे ना असी पहले बड़ी तहकीक करने आ, क्या इंदे विचों मैनू नफा लभना है कि नहीं लभना, कित्थे मैनू खसारा तो नहीं पै जाना। दुनिया के मामले अंदर असी इन्नी तहकीक करने आ, क्या इन्ना जिहड़ियां नवीं रस्मां बणियां फिरदियां ने ओ क्या साडा हक नहीं कि असी इन्हें उत्ते कोई तहकीक करिए, इन्हू देखिए कि कुरान तो साबित है, हदीस तो साबित है। वो अल्लाह दे बंदे हो, हत्ता कि इन्होंने इंज दे वाकिए बनाए ने। इन्होंने कहा वो एक लकड़हार वाला पक्का थोड़ा नहीं तो तुम तफसीली गल दसदा, लकड़हार वाले ने उन्हू कहा जी इमाम जाफिर ने, इमाम जाफिर ने कहा है कि तू जेड़ी मुराद है ना वो तू पूरी कराना चाहना है, ती बावी राजा ने मेरी पैदाइश तो देने, तू लोगों को मिठाइयां ती कोई रसगुल्ले ती कोई शह खिला दे मिठा मूँह कर दे ती तेरी हाजत पूरी हो जाएगी, जे पूरी ना होई क्यामत वाले दिन मेरा गिरेबान पकड़ लवी ती मैं तेरा मुजरिम होवांगा, तू मेरा गिरेबान पकड़ के रब नू कह देवी। हत्ता के लकड़हार वाला उनके बच्चे बहुत ज्यादा सन, वो बेचारा पहले परेशान सी, जिन्हें ने हलवे खाने से ना उन्होंने मन करोड़ मन करर रवायत इंज पेश कीतियां, किसे तरीके नाले हलवे वाली रवायत नू जायद करार करन वास्ते इन्ना बल्लेया लोगों ने बड़ा कुछ किया है। मौलाना अलामा एहसान इलाही जहीर और रहमतुल्ला अलैह फरमाया कर दे कि ऐ जेड़ा साडा पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान तो है भी है, ये पंसार है, ऐ पंसार तू हर चीज लभ जाया कर दिए। इन्ना मौलविया ने यकीन जानो अपने मकसद वास्ते बड़ा कुछ गड्ढे हुए है। ओए अल्लाह दे बंदियो, इन्ना रस्मा तू बचिए, इन्ना जहलीजत तू बचिए, उस ते अमल कर जो कुरान कहता है, उन्हों अपना जो हदीस पाक कहती है। अल्लाह दे कोलों दुआ है जो कुछ सुनिया सुनाया है, मेरा मालिक मेरा खालिक मेरे समय सानू सारे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।